कुछ ओम नमस्ते आचार्य जी। वर्तमान समय में कोई व्यक्ति गुरुकुल में पढ़कर लौकिक उन्नति, पद प्रतिष्ठा आदि चाहे तो ऐसा हो सकता है? तो गुरुकुल में पढ़कर के पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति मिले, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? हमारा लक्ष्य क्या है गुरुकुल में आने का, और गुरुकुल का लक्ष्य क्या है? तो सामान्य रूप से तो इनका मना किया जाता है कि ये लक्ष्य नहीं है गुरुकुल के, मुख्यतः से लक्ष्य नहीं है। लेकिन वैदिक धर्म तो अभ्युदय निश्रेयस दोनों की बात करता है, और फिर गुरुकुल में कहते हैं कि भाई गुरुकुल में भी आप कंप्यूटर पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, ये सब पढ़ाइए, आता ही है ना, क्यों पढ़ाइए? माता पिता कहते हैं, बच्चे कहते हैं, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। अब आप ये चीजें हमारे को पढ़ा रहे हैं तो हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं, हम आगे क्या करेंगे? तो ये चिंता गुरुकुल वालों को ही करनी है, उन बच्चों की, उनके माता पिताओं की जो चिंताएं हैं अपने बच्चों के प्रति, उनका दायित्व तो गुरुकुल का ही है। अरे गुरुकुल को देखो, गुरुकुल तो दूसरों के पैसे से पलता है, गुरुकुल के पास तो अपने पास भी धन नहीं है, वो आपको क्या धन देगा? वो पढ़ा रहा है उतना ही बहुत है, गुरुकुल तो भिक्षा मांगता है, गुरुकुल के आचार्य तो भिक्षा मांगते हैं, दान मांगते हैं, उनके पास तो अपना धन है ही नहीं, भिक्षा पे चलते हैं। तो गुरुकुल वालों से ऐसी अपेक्षा रखना मूलतः गलत है। आपको धन संपत्ति के लिए बहुत सारे विद्यालय हैं, दुनिया भर के हैं, लेकिन व्यक्ति वहां पढ़ता है, लगता है कि यहां तो कुछ हो नहीं पाएगा, मेरी चल नहीं पा रही है, यहां तो प्रतिस्पर्धा है, न व्यापार में चल पाऊंगा, न नौकरी लग पाएगी, तो चलो यहां हो जाएगा, यहां कुछ सीधे साधे लोग हैं, कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, कुछ साल निकल जाएंगे और यहां से मैं कुछ कर लूंगा। अच्छा, गुरुकुलों में पढ़े हुए व्यक्तियों में आपको कहीं पद प्रतिष्ठा धन आदि दिखाई देता है या नहीं देता है? जो गुरुकुल से पढ़े हैं उन लोगों की कोई प्रतिष्ठा होती है या नहीं होती है समाज में? होती है, देखा है आपने, तो प्रश्न क्यों है? जो गुरुकुल से निकले हैं उनके पास खाने को रोटी नहीं होती, ऐसा देखा है आपने? नहीं देखा है, तो फिर प्रश्न क्यों है? और गुरुकुल से निकले हुए किसी पद पे नहीं जाते, ऐसा देखा है आपने? पदों पे जाते हैं नहीं गुरुकुल वाले, कहीं जाते हैं, तो फिर क्यों प्रश्न है? आपको अपने पर विश्वास है या नहीं है? है विश्वास? अपने हाथों पे विश्वास है या नहीं है? अपने परिश्रम पुरुषार्थ पे विश्वास है या नहीं है? आपके अपने को गुरुकुल में पढ़ के, अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा करके, छोटे मोटे सब काम करके, इतने समर्थ नहीं है? दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी शारीरिक क्षमता कम है, बौद्धिक क्षमता कम है, ज्ञान कम है, परिस्थितियां प्रतिकूल है, तो भी अपना जीवन चलाते हैं और नीचे से ऊपर कहीं भी पहुंच जाते हैं? तो इतना अच्छा शरीर, बुद्धि, ज्ञान, संस्कार, परिवार प्राप्त करके भी क्या ये विश्वास नहीं है कि गुरुकुल वाले नौकरी नहीं देंगे? क्योंकि गुरुकुल वाले डिग्री नहीं देते हैं। कौन से गुरुकुल वाले? जो आर्ष, जो कि बिना परीक्षा पद्धति वाले हैं। शुरू में तो सारे ही ऐसे थे लगभग, फिर धीरे धीरे इसी विचारधारा में माता पिता और बच्चों के वो गुरुकुल आर्ष पद्धति वाले रहे, लेकिन परीक्षा पद्धति वाले हो गए। फिर धीरे धीरे संस्कृत और इनकी पढ़ाई भी छूट करके आधुनिक पढ़ाई आ गई, नाम गुरुकुल ही रहा लेकिन पढ़ाई वो की वो ही आ गई। तो ऐसे करके गुरुकुल कम होते गए, और बहुत सारे गुरुकुल हैं, नाम गुरुकुल है लेकिन वो विद्यालय जैसे हैं, छात्रावास जैसे हैं। तो जो बचे कुछ गुरुकुल हैं उनको भी उसी योजना के अंतर्गत वैसा ही बनाने की इच्छा है। भाई ऐसे माता पिता और ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारे गुरुकुल बन चुके हैं विद्यालय की तरह से, वहीं चले जाओ, चलो आपको स्कूल कॉलेज के नाम से लगता है यहां तो मैकाले की पद्धति है और फलाना है। तो जो गुरुकुल थे और अब वैसे बन चुके हैं जहां की परीक्षा पद्धति आ गई है, वहीं उपयोग करो ना अपना, आपकी इच्छा अनुसार ऐसे गुरुकुल बन चुके हैं ना बहुत सारे, अब वो गुरुकुल नहीं रहे, ठीक है, वहां पर पढ़ लो। अब ये जो बचे कुछ हैं उनको भी ऐसे ही बनाना है,
कुछ ऐसे लोगों के लिए भी कुछ गुरुकुल छोड़ दो जो कि परीक्षा नहीं देना चाहते, जो शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं, अंतः सुखाए पढ़ना चाहते हैं, अपनी इच्छा से पढ़ना चाहते हैं, जिनकी लगन है इस कार्य इसके लिए कार्य करने की, अपनी संतुष्टि के लिए और समाज के लिए, उनको कहीं टिकने का स्थान देंगे? उनके लिए कोई जगह होनी चाहिए? नहीं नहीं जी, व्यवस्था यहां पर अच्छी है, यहां खाने पीने को ठीक मिलता है, बस यहां पर थोड़ा नौकरी का और हो जाए परीक्षा पद्धति का तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां दूसरे गुरुकुलों में देखेंगे वहां पठन खाने पीने की रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो हर सुविधा अपने अनुकूल चाहिए। देखिए, धन संपत्ति वैभव अपने परिश्रम और अपने गुणों के आधार पर आती है। अच्छे अच्छे विद्यालयों में पढ़े हुए, विदेश में पढ़े हुए भी निर्धन हो सकते हैं, और गुरुकुल जो कि निर्धनों का माना जाता है, अभावों का माना जाता है, वहां भी पढ़ करके व्यक्ति अच्छा बन सकता है, धन संपत्ति प्राप्त कर सकता है। हमें बनना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? हम धन संपत्ति ये चाहते हैं, लौकिक उन्नति, हम वैश्य बनना चाहते हैं? वर्ण की दृष्टि से देखें वैश्य बनना चाहते हैं? वैश्य धन के लिए करेगा, उसकी प्रमुखता धन धान्य की है। लेकिन यदि आप क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, तो वहां पैसा मुख्य नहीं होता है, और सम्मान किसका अधिक होता है, पैसे वाले का अधिक होता है या विद्वान का अधिक होता है? बोलो, विद्वान का अधिक होता है। मंचों पे नहीं देखा, धनवानों का सम्मान होता रहता है, विद्वान बैठा रहता है, विद्वान का प्रवचन चल रहा है, धनवान आ गया तो बीच में रोक देते हैं, ठक ठक करते हैं पीछे से कि समय हो गया, अभी थोड़ा जल्दी करो, इनको सम्मान करना है, इनको जल्दी जाना है। ये विद्वान का सम्मान हो रहा है? हाँ, सम्मान भी होता है। अगर उचित व्यक्ति धार्मिक है तो धनवान विद्वान का सम्मान करेगा, ये तो खैर विपरीत है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते वो वाली बात है, वित्तम बंधु वयः कर्म विद्या भवति पंचमी। धार्मिक दृष्टि से देखेंगे, सज्जन व्यक्तियों के बीच में देखेंगे तो ज्ञान की साधना की उच्चता सदा है और सदा रहेगी, और जो धन को भी महत्व देते हैं वो भी अपने अंतर मन को देख लें कि जब कभी ऐसे दो व्यक्ति हों, एक त्यागी ब्राह्मण हो, तपस्वी ब्राह्मण हो, और एक पैसे वाला हो, दोनों में से किसके प्रति भाव उठता है? त्याग का भाव उठेगा, त्याग के प्रति ही हमारा भाव उठेगा, उसका समर्पण है, वो पैसे के लिए नहीं करना, पैसे के लिए तो दुनिया भागती है, बिना पैसे भी जो करना चाहता है, हित के लिए करना चाहता है, उस भावना का क्या, उस भावना का कोई मूल्य होता है? और परमात्मा पे विश्वास रख के चलना चाहिए कि परमात्मा अच्छों की सहायता करता है, और परमात्मा ने लोगों के मन में भी, अच्छे व्यक्ति भी बहुत हैं दुनिया में, उनके मन में ऐसे धार्मिकों, अच्छों, अच्छे लोगों के प्रति भाव पैदा किया है। आज भी भारत में आप कहीं इस वेश में भी निकल जाते हैं तो भी रोटी मिल जाती है, गांव में चले जाओ आप कहीं कि मेरे को रोटी चाहिए, अंदर कुछ भी हो, योग्य नहीं है, लेकिन ये कपड़े और कुछ वेशभूषा और कुछ बोलने वाले हो, रोटी मिल जाएगी। स्कूल कॉलेज से पढ़ा लिखा यदि रोटी मांगने जाएगा तो उसको तो नहीं मिलेगी। अब ये मत समझना कि रोटी मिल रही है तो भिखारियों को तो रोटी मिलती ही है, उसको दो बात कहेंगे कि तुम ये इतने पढ़े लिखे हो और सूट बूट पहन के हो, तुम तो धन के लिए हो, तुमको कमाना चाहिए, उसको रोटी नहीं मिलेगी। कोई दे दे ठीक है मानवता के आधार पर, नहीं तो ये अलग भारतीय संस्कृति की दृष्टि से ये पद और प्रतिष्ठा, और हम अपने आंतरिक उन्नति के लिए विशेष रूप से आज की स्थिति में गुरुकुलों में पढ़ते हैं, और यदि विद्या है हमारे पास में तो यश भी आता है, धन भी आता है, पद भी आता है। हमने यदि गुरुकुल में ढंग से विद्या पढ़ी है, पुरुषार्थ किया, हमारी योग्यता है, तो इनकी कहीं कमी नहीं रहती है। समाज में तो ऐसे लोगों का अभाव है, हर कोई पूछता है कि हमारे यहां कोई उपदेशक दीजिए, कोई संस्कार करने वाला दीजिए, खाली पड़े हैं, स्थानीय स्थान है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, आपकी थोड़ी भी योग्यता है तो आपको अच्छा मिलेगा, जितनी योग्यता है उससे ज्यादा मिलेगा, ये स्थिति है। जहां जिस चीज के ज्ञाता या
योग्य व्यक्ति कम होते हैं वहां कम वाले को भी अधिक चीज दिया जाता है। आज तो ये स्थिति है, वहां दूसरी जगह तो सब जगह प्रतिस्पर्धा है, किसी चीज की कमी नहीं है। कोई दुकान खोल लो उसकी दूसरी दुकानें मिलेंगी आपको, कोई नौकरी देख लो दूसरी प्रतिस्पर्धा मिलेगी। ये धर्म के क्षेत्र में और विशेष रूप से जो सज्जन और धार्मिक और ईमानदार हैं ऐसे व्यक्तियों की तो कमी है। और गुरुकुल यदि ऐसे व्यक्तियों को बना करके देता है, गुरुकुल ऐसा प्रयास करता है और कोई ऐसा बनता है, उसको कहीं कमी नहीं है। लोग हाथों में उठा लेंगे आपको, आपको कोई दुख नहीं होने देंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे, खुद भूखे रह के आपको रोटी खिला देंगे। ये स्थिति आप समाज के अंदर देख सकते हैं यदि आपने गुरुकुल पास अपना ठीक तरह से किया है, नियम अनुशासन में चले हैं, विद्या पढ़ी है और सच्चे हैं, तो कहीं कोई कमी नहीं है। आप ही मना करोगे तब, नहीं चाहिए मेरे को ये, वो देंगे, वो कहें नहीं नहीं चाहिए मेरे को। संपन्न कौन होता है, पीछे भी बात हुई थी, जो मांगता रहे देव हाँ जी दे दो, तो निर्धन है, कमी का देवता क्या है, तो कहते हैं नहीं जी नहीं चाहिए मेरे को। ये है संपन्नता। तो गुरुकुल तो वो संपन्नता देता है, आध्यात्मिकता तो वो संपन्नता देती है जहां वो अंदर से संतुष्ट अनुभव कर सकता है, संपन्न अनुभव कर सकता है। तो अपने ऊपर निर्भर करता है, इसका ये अर्थ नहीं है कि गुरुकुल के सारे एक जैसे निकलते हो, कहीं भी कोई एक जैसा नहीं निकलेगा। लेकिन आधुनिक ढंग से ही और उसी तरीके से हमें चाहिए कि नहीं, हमारे को तो सरकारी नौकरी मिले तभी होगा। तो देखो सरकारी नौकरी तो कितनों को क्या मिलती है वो सबको पता है। नहीं जी प्राइवेट नौकरी मिल जाए कहीं, चलो सरकारी नहीं तो प्राइवेट कंपनियों में जो नौकरियां मिलती हैं वहां क्या होता है वो भी पता है सबको। अभी देखो कोरोना का और ये सब चल रहा है, कब नौकरी से निकाल दे कुछ नहीं पता है। वेतन आधे हो गए हैं, नौकरियों से छटनियां हो गई हैं, कहीं नहीं नौकरी, देखो कितने तनाव दबाव में है। तो अपने ऊपर हमारा सामर्थ्य हो, हम कर सकते हैं, हमारी आवश्यकता सदा है। गुरुकुल वो चीज आपको दे देगा कि जिसकी आवश्यकता समाज में सदा है, सदा बनी रहेगी पूरे जीवन। आप कहीं भी चले जाओ, गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, और आपके जीवन जीने में, अच्छी तरह करने में, अपनी उन्नति में कहीं कोई कमी नहीं है। तो विषय को यहीं समाप्त करते हैं, प्रणवधनि। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।